नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान MIUI थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सैमसंग वन UI, एंड्रॉयड 12 UI के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के ऊपर जो है MIUI थीम को जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देने को मिलता है, देखिए पर कुछ इस तरह से जो क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है, स्टेप काउंटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप इस तरह से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज, फ्लैश लाइट, डायलर, मैसेज, कैलेंडर जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है। अब जरूर से इस थीम को ट्राई करके देखो। प्लस इस थीम के साथ जो है सर्च बार के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लूटूथ आइकन हो जाए, प्लस जो बैटरी बार के साथ भी यहाँ पर जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर होम स्क्रीन के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से होम स्क्रीन देने को मिलेगा। यहाँ पर हमने ए वाला जो थीम है इस थीम को अप्लाई किया है एंड सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके सभी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 के साथ किसी भी रेडमी एंड पोको डिवाइस के साथ ये सभी जो थीम से काम कर जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। सबसे पहले इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है आइकॉन पैक देखने को मिलेगा, काफी यूनिक, काफी अलग जो है यहाँ पर आइकॉन पैक देखने को मिल गया है। प्लस जो वॉलपेपर है काफी बढ़िया है, डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो। प्लस आपको कौन सा थीम सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है डायलर देखने को मिलेगा, देख सकते हो। पर जो डायलर के साथ जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर रीडिजाइन डायलर देने को मिलेगा। इस तरह से जो है अलग एंड यूनिक UI देने को मिलता है, काफी बढ़िया है। एंड इस तरह से यहाँ पर जो है यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। मैसेज की अगर बात करें कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है मैसेजिंग के साथ भी जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, काफी बढ़िया, काफी अलग UI देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें पर जो सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा, यहाँ पर सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली पर रीडिजाइन हो गया है। सेटिंग्स मेनू के साथ जो कुछ इस तरह से जो है आइकॉन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है ढेर सारी चेंजेस देने को मिलेगा यूजर इंटरफेस के साथ। एंड कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, यहाँ पर आइकॉन भी देख सकते हो, काफी डिफरेंट आइकॉन देने को मिल गया है। प्लस राउंडेड कॉर्नर है, यहाँ पर ब्लर को भी ऐड किया गया है MIUI 11 के साथ। यहाँ पर MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है इसे सिलेक्ट करते हैं, पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो आइकॉन है काफी डिफरेंट है, यूनिक आइकॉन है, यानी इस तरह से जो है यूजर्स को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो। प्लस यहाँ पर एनिमेशन को भी ऐड किया गया है। बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, ये जो थीम है दोस्तों सैमसंग वन UI का थीम है, तो सिंपली इस थीम को अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद जो फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। तो ये जो थीम हमने अप्लाई कर दिया है, थीम को अप्लाई करने के बाद जो फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना, तो थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, सैमसंग वन UI के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो इस तरह से पर जो सैमसंग वन UI का जो आइकॉन पैक है ऐड किया गया है, पर वेदर आइकॉन, गैलरी, डायलर, मैसेजिंग सेटिंग्स, कैमरा, कैलकुलेटर, सब आपके पर सैमसंग वन UI जैसा आइकॉन पैक देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर सरस भर के साथ भी चेंजेस देने को मिल गया है, पर जो बैटरी आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन भी काफी बढ़िया है। एंड डायलर के साथ भी जो है पर मिनिमल UI देने को मिलेगा, यहाँ पर डिफॉल्ट डायलर एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन है। एंड कुछ इस तरह से जो है वॉल्यूम पैनल के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है इसमें जो है चेंजेस देखने को मिल गया है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, यहाँ पर ब्राइटनेस बार के साथ जो राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है। यहाँ पर आइकॉन देख सकते हो कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से जो है आइकॉन को ऐड किया गया है। एंड भाई यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, काफी बढ़िया UI है। यहाँ पर ब्राइटनेस बार का जो UI है काफी बढ़िया है, यहाँ पर काफी बढ़िया जो है कंट्रोल सेंटर UI
देने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर का जो UI है सिलेक्ट किया है। तो पहले जो UI आपने देखा, जो कंट्रोल सेंटर का जो UI आपने देखा, वो दोस्तों पहला वाला जो थीम है उसका UI था शायद, तो इसलिए मैंने बोला था फ़ोन को जरूर से रीसेट करना। देख पाओगे ये जो कंट्रोल सेंटर का जो UI है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। तो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है ब्राइटनेस बार के साथ, प्लस इस तरह से जो है आइकॉन देने को मिल गया है, बढ़िया है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट जो है लॉक स्क्रीन UI देने को मिल जाएगा। बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, ए वाला जो थीम है इस थीम को अप्लाई करते हैं एंड सिंपली सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ए जो थीम है दोस्तों अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। यहाँ पर वॉलपेपर देख सकते हो काफी बढ़िया है, इस तरह से जो आइकॉन देने को मिलते हैं इस थीम के साथ। एंड अगर बात करें पर विजेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो क्लॉक विजेट्स, बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है पर अवेलेबल नहीं है, पर जो वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर स्टेप काउंटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से जो है पर होम स्क्रीन UI देने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें पर डायलर के साथ जो है कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा इस थीम के साथ, जिस हमने नोटिस किया है। पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, प्लस कंट्रोल सेंटर के साथ भी कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड यहाँ पर सेटिंग्स में भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी UI के ऊपर डिफरेंस देने को नहीं मिल रहा है। एंड कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो UI देने को मिलता है। बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, तो ए वाला जो थीम है इस थीम को हमने अप्लाई करते हैं एंड थीम जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। एंड सबसे पहले इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है सरस बार देने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी बार, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है। अगर बात करें यहाँ पर जो है ऐप आइकॉन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो है ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। एंड देख पाओगे काफ़ी यूनिक है ऑफकोर्स एंड बढ़िया है। अगर बात करें पर क्लॉक विजेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो वेदर विजेट्स एंड क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो अलग अलग स्टाइल का जो है विजेट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है यहाँ पर अवेलेबल है, पर बैटरी विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है अलग अलग जो है ऑप्शंस भी अवेलेबल है, इवन आप यहाँ से डार्क मोड को भी एनेबल कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ। एंड इस तरह से आप जो है चेंजेस कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एनीवे अगर बात करें पर डायलर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से डायलर देने को मिलेगा, यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस देने को मिल गया है, कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो UI देखने को मिल जाएगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं है, इस तरह से जो वॉलपेपर देने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिल गया है, पर आइकॉन के साथ चेंजेस देने को मिलेगा। ब्राइटनेस बार के साथ जो है पर मिनिमल चेंजेस देने को मिल गया है। एंड पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस नहीं है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो आइकॉन है, यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस बार प्लस जो आइकॉन है, इसमें जो है चेंजेस देने को मिल गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ जो है UI देने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के साथ। एंड लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI है, पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड इस तरह से यहाँ पर जो ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है, प्लस वाईफाई ब्लूटूथ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, नेक्स्ट ए जो थीम है इस थीम को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं आइकॉन पैक के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन पैक देने को मिलेगा, काफ़ी हद तक जो आपको यहाँ पर पिक्सल जैसा
आइकॉन पैक देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है सरस बार के साथ भी चेंजेस देने को मिलेगा, यहाँ पर बैटरी बार एंड ब्लूटूथ आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देने को मिलेगा एंड कुछ इस तरह से थीम के साथ जो है होम स्क्रीन यूआई देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर डायलर के बारे में तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो कोई भी चेंजेस नहीं है। प्लस जो मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिला है। सेम यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है वॉल्यूम पैनल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर MIUI 13 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से यूआई है, पर राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है, इस तरह से जो है आइकॉन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू के बारे में, यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कोई भी जो है यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस नहीं है। यहाँ पर MIUI 11 कंट्रोल सेंटर के साथ कुछ इस तरह से डिफरेंस देने को मिलेगा, बट सेटिंग्स का जो आइकॉन है ऐड किया गया है, इस तरह से पर जो है कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो है आइकॉन के साथ चेंजेस है। या पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से पर जो है लॉक स्क्रीन यूआई देने को मिलेगा, पर एंड्रॉइड 12 का जो लॉक स्क्रीन यूआई है ऐड किया गया है। कैमरा का ऑप्शन है, सेटिंग्स का ऑप्शन, इस तरह से पर जो है लॉक स्क्रीन यूआई देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर से आप जो लॉक स्क्रीन यूआई को कस्टमाइज भी कर सकते हो इस थीम के साथ। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।